नमस्कार, मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ ग्राउंड जीरो पर जन की बात में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं और मेरी टीम जो है पिछले 2 महीने में आपको देश के कोने कोने से हमने जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश करी कोरोना काल में। इस वक्त हम मौजूद हैं बंगाल में, जहां पे अभी तक देश के में से कोई भी नहीं आया है बताने के लिए, और हमारे दायित्व है कि बंगाल की आवाज़ देश तक ले जा सके। मैं मौजूद हूँ मालदा के अंदर, अनूपनगर के अंदर, और इस वक्त मेरे साथ में कुछ लोग हैं। हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे पूरी फील्ड्स है और यहाँ पे मजदूर हैं, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनको कुछ सुविधा ममता सरकार से मिली है, केंद्र सरकार इनके लिए कुछ कर रही है, इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या ये चाहते हैं। मैं बता दूं कि ये हमारा दायित्व है कि बंगाल को उसी तरीके से दिखाया जाए जैसे बाकी राज्यों को दिखाया जाता है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? हरण मंडल है नाम। हरण मंडल जी, बताइए कि यहाँ पे आपको अभी पूरा कोरोना चल रहा है, कुछ ममता सरकार से कुछ सुविधा मिली कि कुछ नहीं मिली? ममता सरकार से कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है। और मोदी सरकार कुछ कह रहा है, मोदी सरकार कहता है कि दिया है गरीबों को, आपको कुछ मिला है मोदी सरकार? मोदी सरकार से मिल रहा है। क्या मिल रहा है? महीना में 500 रुपया मिलता है, और गैस सिलेंडर वो पैसा भी वो भरता है। अच्छा, मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, और क्या समस्या है यहाँ पे? आप लोग खेत में कितने समय के, कितने घंटे मजदूरी करते हैं? कितना समय में? 2 दिन 2 बजे जा रहा है मकान में। अच्छा, और क्या चाहते हैं यहाँ पे, क्या समस्या आती है खेत में मजदूरी करते वक्त? और क्या दिक्कत है, दिक्कत समस्या क्या है? और दिक्कत क्या है? আমাদের অসুবিধা নাই, আমাদের জমি জায়গা নাই, কিছু নাই, আমরা কেমনি খাবো? আমাদেরকে দিতে হবে কিছু, হ্যাঁ, না দিলে আমরা কেমনি খাবো? আমরা মাঠে মাঠে দিনমান পড়ে থাকছি, আমরা আমাদের তো জমি জায়গা নাই কিছু, ওটা আমাদেরকে সাহায্য করবেন, তারপরে তো আমরা খাবো, বাড়িতে থাকবো। হ্যাঁ, এটাই বলছি। তো ये आप जरा पीछे से ट्रांसलेट कर सकते हैं व्यूअर्स के लिए कि क्या एग्जैक्टली ने कहा है? इन्होंने कहा है कि इनका जो जमीन उमीन नहीं है, सरकार के तरफ से इनको उस तरह की सुविधाएं नहीं मिलती है, ये जो भी है अपने ऊपर निर्भर करके जमीन में लेबर की तरह काम करके ही इनको रोजी रोटी चलाना पड़ता है। ये कहना चाह रही हैं यहाँ पे, मैं बताना चाहता हूँ हिंदी में, कि इनको सरकार की तरफ से कुछ स्पेशल सुविधा नहीं मिली है, और ये जो अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ पे मजदूरी करते हैं। और बात करना चाहता हूँ, मैं और जानना चाहता हूँ, पीछे आना चाहता हूँ, क्या क्या आपसे पूछना चाहता हूँ? क्या बोलेगा हम, क्या ये कोरोना काल में जो कोरोना कुछ बीमारी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ सरकार ने कुछ दियो? हमार की दिए छे मोदी सरकार, ही खेते दिए छे। क्या दिया मोदी सरकार? आटा चावल दिच्छे। और ममता? ममता कुछ नहीं देते। क्यों नहीं देता ममता दीदी? वो तो वो निजी पेट भरता नहीं तो किस लिए देगा? निजी नहीं पेट नहीं भरता तो किस लिए देगा? तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन लोग को जो खाते के अंदर पैसा या मान लीजिए सुविधा मिल रहा है वो केंद्र सरकार से मिल रहा है, सही कह रहे हैं, और ममता सरकार से चाहते कि और चीज मिले। अच्छा, कुछ ममता सरकार से यहाँ पे कोई सैनिटाइजर वैनिटाइजर कुछ मिला? हाथ वाथ धोने वोने वाला कुछ मिला है? ताकि आपको कुछ मिला घर पे कुछ हाथ धोने का? ना, कुछ कुछ नहीं, ना। नहीं। जो बीमारी से बच के हमने ये सब पहना वहना कुछ दिया? मास्क वास्क ना किने लिया थी, नीचे देखे किने लिया थी मास्क लिए? कुछ सरकार से कुछ मिले नहीं? तो ये कह रही हैं कि यहाँ पे इनको सरकार से इस तरीके से, गांव में कुछ सरकार ने बीमारी से बचने के लिए कुछ क्लीने कुछ सेटअप किया? नहीं किया, नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिए छे, चाल दिए छे, भुजा खेते दिए छे। किसने दिया? ये तो दिए छे बृहस्पतिवार दिए छे। अच्छा, कौन से? मोदी ने दिया कि ममता? हां, मोदी दिए छे। मोदी दिए छे। तो कह रहे हैं कि बृहस्पतिवार को मोदी ने इनको चावल दिए छे। अच्छा, एक चीज बताइए, बीमारी से बचने? हां, बोलिए। भुजा दिए छे, भुजा तो चावल और भुजा, पर एक चीज बताइए बीमारी से बचने के लिए? मूरी दिए छे, ई दिए छे, तेल दिए छे, लंका दिए छे, लवण दिए छे, एगलो दिए छे खावा।
ये अच्छा बीमारी से बचने के लिए कहाँ कौन गांव कौन सा आपका अनूपनगर है। तो अनूपनगर के अंदर कुछ सरकार के तरफ से कोई आया जिसने गांव में साफ सफाई करवाया कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बंगाल की जो कहानी है और बंगाल की आवाजें हैं कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय स्तर पर दब जा रही है और यहीं पे असली कहानी है। और इसीलिए हमारा दायित्व तो यही है कि आपको बंगाल को उसी नज़रिए से दिखाएं जैसे कि हमने बाकी के राज्यों को दिखाया। यहाँ पे लोगों ने जैसे बताया कि इनका गांव अनूपनगर है, यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा नहीं आया जिसने या तो सैनिटाइजेशन किया हो या मान लीजिए कि यहाँ पे मास्क वितरण किया हो या राशन वितरण किया हो। इनको थोड़ी बहुत जो सुविधा मिल रही है वो केंद्र सरकार से मिल रही है, ममता सरकार से इतनी नहीं मिल रही। यहाँ पे गौर करने की बात है और देखने की ज़रूरत है। हम आगे और चलते हैं और आगे बताएंगे। चलिए प्रदीप अनारे से चलते हैं।